हेलो बच्चों तो स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लेक्चर टू पॉइंट जीरो में तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे ही होंगे आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संग कॉर्डेटा कौन सा संग संग कॉर्डेटा लेके आए हैं संघ जो कॉर्डेटा है अभी तक जो हम लोगों ने संग पढ़े हैं उन संगों में से वेरी मोस्ट संग आपका है संग कॉर्डेटा इस कॉर्डेटा के हम लोग जनरल कैरेक्टर देखेंगे और इसका जो वर्ग होता है क्लासिफिकेशन होता है ठीक है उस क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं तो संघ कॉडेटा है क्या पहले तो हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में ई कॉडेटा संघ है क्या देखिए जो तो संघ कॉडेटा है इसमें आपका है कॉडेटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है डेटा शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है पहला आपका होता है कॉर्ड इसको कहते हैं स्टरिंग ठीक है दूसरा आपका होता है ऐटा इनका मतलब होता है वियरिंग यानी कि धारक यानी कि ऐसी जीवधारी जो नोटोकोड को धारक करने वाले हों यानी कि जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट प्रजेंट हो ऐसी जीवधारी जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती हो ऐसी जीवधारी कौडेटा संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं तो जिसमें नोटोकॉड पाई जाती है वो कौन से संघ में रखे जाते हैं संघ कौडेटा के अंतर्गत रखे जाते हैं कौडेटा शब्द सन 1880 में वॉल्फार ने दिया था जो कॉडेटा शब्द है इसको सन 1880 में वॉल्फार ने दिया था कौडेटा संघ के जंतुओं में जीवन भर या जीवन की किसी भी अवस्था में शरीर को सहारा देने के लिए पृष्ठ सतह पर एक लंबी लचीली व दृढ़ छड़ पाई जाती है जिसे मेरुदंड या नोटोकोड कहते हैं क्या कहा गया है कि जो कोडेटा संघ के जितने भी जीवधारी हैं इनमें जीवन भर या फिर जीवन भर ना हो तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में जीवन की किसी भी अवस्था में शरीर को सहारा देने के लिए पृष्ठ सतह पर एक लंबी लचीली व दृढ़ छड़ पाई जाती है यानी कि लंबी और लचीली जो दृढ़ छड़ होती है जिसको नोटोकॉड कहते हैं यानी कि मेरुदंड कहते हैं ये हंड्रेड परसेंट होगी पूरे जीवन काल नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ अवस्था में जरूर प्रेजेंट होगी तो ऐसे जीवधारी संघ कॉडेटा में रखे जाते हैं इसका मेन लक्षण ये है इसकी उपस्थिति कार इस के कारण इस संघ के जंतुओं को पृष्ठवंशी या कॉर्डेट्स कहते हैं क्या कहते हैं कॉर्डेट्स अभी तक हम लोगों ने जो संघ पढ़े थे वो नॉन कॉर्डेट्स थे अब आपके ये संघ है कॉर्डेट्स हैं इसमें कॉर्डेट्स क्यों कहेंगे क्योंकि इसमें नोटो पाया जाता है जंतु जगत के बेप्राणी जिनमें जीवन की किसी अवस्था में भी नोटोकॉड नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कॉडेट्स कहते हैं यानी कि जिनमें नॉन नोटो नहीं पाई जाती उनको नॉन कॉडेट्स कहते हैं जिनमें नोटो पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं तथा है, उन जंतुओं को अपृष्ठवंशी यानी कि नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं तो ये तो आपकी थी तो ऐसी जीवधारी जिसमें नोटोकॉड पाई जाती हो ठीक है वो आपका क्या तो वो जीव आपके संघ कॉडेटा में रखे जाते हैं इनके कुछ समान लक्षण देखेंगे हम लोग इनके जो सामान्य मेन लक्षण आपके सामान्य तीन लक्षण हैं कौडेटा संघ के वो तीन लक्षण ये हैं कि नोटोकॉड या मेरुदंड यानी कि नोटोकॉड या मेरुदंड क्या होती है नोटोकॉड कॉडेटा के जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है यानी कि जो नोटोकॉड होती है वो जीवन की किसी न किसी अवस्था में हंड्रेड परसेंट होगी यह एक लंबी ये नोटोकॉड होती क्या है यह एक लंबी छड़नुमा यानी कि जो छड़ होती है कुछ इस प्रकार से ठीक है छड़नुमा लचीली रचना है जो शरीर की मध्यपृष्ट रेखा पर यानी कि बीच की रेखा पर मध्यपृष्ट रेखा पर स्थित होती है दूसरा आपका है पृष्ठीय नाल तंत्र का रज्जु क्या है पृष्ठीय नाल तंत्र का रज्जु यानी कि यह भी पाया जाता है कोडेटा में एक तंत्र का रज्जु शरीर की मध्य रेखा पर स्थित होता है कोडेटा में एक तंत्र का रज्जु शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होता है यह एक अनुलंब नाल यानी कि नाल जैसा रज्जु के रूप में होती है जो नोटोकोट के ऊपर स्थित होती है जो पृष्ठ नाल है का रज्जु है नोटोकॉड है इस नोटोकॉड पर एक और नाल सी होती है संरचना जिसको पृष्ठी नाल या का रज्जु कहते हैं ये पाई जाती है, है। तीसरा नंबर आपका है ग्रसनी क्लोम है यानी कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवारों में जोड़ीदार गिल्स दरारें पाई जाती हैं यानी कि मान लीजिए ये ग्रसनी है तो इसमें दरारें सी पाई जाएंगी जिसको क्लोम दरारें कहते हैं निम्न व जली क्वारेट्स जंतुओं में श्वसन में सहायक होती है यानी कि जो निम्न कोटि के जो क्वारेट्स होते हैं उनमें श्वसन में सहायक होती हैं तो इन जंतुओं में किसी न किसी अवस्था में हंड्रेड परसेंट आपकी जो घृषणीय क्लोम दरारें होती हैं ये जरूर पाई जाती हैं नेक्स्ट आपके लक्षण हैं इसके कुछ समान लक्षण इनको देख लेते हैं पहला आपका है अधर हृदय यानी कि वेंटल हार्ट हृदय देह गुहा में अधर सतह देह गुहा के अग्र में पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है इसके चारों ओर पेरी का आच्छद होता है क्या कहा गया है कि जो हृदय है हार्ट है ठीक है ये अधर सतह पर स्थित होता है और देह गुहा के अग्रभाग में पेरी गुहा में स्थित होता है तथा इसके चारों ओर पेरिकार्डियम का आच्छद होता है क्या होता है पेरिकार्डियम का आच्छद पाया जाता है नेक्स्ट नंबर आपका है सेकेंड रुधिर प्रसंश तंत्र जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या है तो नॉन कॉड्रेट -कौर्डेत, नॉन कॉड्रेटा के विपरीत यानी कि जो नॉन कॉड्रेट जंतु थे इसके विपरीत कॉड्रेट्स में रुधिर पृष्ठवाहनियों में आगे से पीछे की ओर अधर रुधिर वाहिनी में पीछे से आगे की ओर बहता है यानी कह सकते हैं इसमें धमनियाँ पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स पाए जाती हैं सिराएँ पाई जाती हैं यानी कि रुधिर वाहि पाई जाती हैं जिनमें रुद्र बहता है तो नॉन कोडेट्स के विपरीत इसमें कैसा बहता है कोडेटा के रुद्र पृष्ठ रुद्र वाहिनी में आगे से पीछे की ओर और, और अधर रुद्र वाहिनी में क्या होता है पीछे से आगे की ओर बहता है नेक्स्ट आपका है यकृत पोर्टल तंत्र यानी कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कोडेट्स में आहार नाल से रुधिर को लाने वाली सिरा यानी कि जो कोडेट्स जीव होते हैं इनमें आहार नाल से जो रुधिर को लाने वाली जो सिरा होती है वो हृदय में ना जाकर कहाँ पहुँचती है यकृत में पहुँचती है कॉर्डेट्स जो जीव होते हैं जो आहर नाल से रुद्र को सिरा ले आती है जो रुध्र को वो हृदय में पहुँचनी चाहिए लेकिन हृदय में न पहुँच कर कहाँ पहुँचती है हृदय में न पहुँच कर यकृत में पहुँचती है जाके इसी को यकृत पोर्टल तंत्र कहते हैं इस प्रकार का यह यकृत पोर्टल तंत्र बनाती है क्या बनाती है यकृत पोर्टल तंत्र बनाती है नेक्स्ट नंबर आपका है नेक्स्ट नंबर आपका स्क्रीन पर है लाल रुध्र कड़काएं यानी कि आर ये क्या है कॉर्डेट्स के रुध्र में लाल रुध्र कड़काएँ होती हैं यानी कि जो कॉर्डेट्स जंतु होती हैं उनमें आर पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स में क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका एच बी स्तनियों के अलावा अन्य कॉर्डेट्स जंतुओं में जो स्तनी होते हैं स्तनियों के अलावा अनकोड्रेट्स जंतुओं में लाल रुध्र कड़काएँ केंद्रकमय होती हैं कैसी होती हैं केंद्रकमय होती हैं यानी कि स्तनियों के अलावा जो अन्य जंतु होते हैं उनमें लाल होती हैं होती हैं, जी? होती हैं। और स्तनधारियों में केंद्रकमय नहीं होती हैं नेक्स्ट नंबर आपका है पश्च पश्च गुद पुच्छ शरीर की पिछले अंतिम छोर पर एक पेशी युक्त ठोस कंकाल युक्त एवं खंड युक्त पुच्छ होती है कैसी होती है खंडयुक्त तो पुच्छ होती है कंकालयुक्त तो एवं खंडयुक्त तो पुच्छ होती है ये आपके नंबर थे कुछ समान लक्षण थे और डेटा संघ के अब हम लोग देखेंगे इनका वर्गीकरण तो संघ जो कौडेटा है कौडेटा का वर्गीकरण की बात करें तो इनको कसीरुखियों को दो वर्गों में बांटा गया है एक तो आपका अधिवर्ग मत्स्य या पिशीज दूसरा आपका अधिवर्ग टेट्रापोडा अधिवर्ग मत्स्य या पिशीज और दूसरा होता है टेट्रापोडा हम लोग बन बाई वन इनको देखेंगे पहला आपका है अधिवर्ग अधिवर्ग कौन सा है अधिवर्ग है मत्स्य पिसीज इसके कुछ लक्षण हैं देख लेते हैं भी। पहला भी। आपका है ये पूर्तिया जली होते हैं कैसे होते हैं ये पूर्तिया जली होते हैं जो स्वच्छ व समुद्री दोनों जल में मिलते हैं ये कैसे होते हैं स्वच्छ व समुद्री जल में मिलते हैं और जली होते हैं पूरी तरह से जो मत्स्य वर्ग के प्राणी होते हैं इस वर्ग के जंतुओं को सत्य मछली भी कहते हैं क्या कहते हैं ट्रू फिश कहते हैं सत्य मछली भी कहते हैं the नेक्स्ट नंबर आपका है इनके शरीर के ऊपर कंटकों एवं सल्क का बना कंकाल पाया जाता है यानी कि जो कंकाल होता है वो कंटक का बना होता है कांटे जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं जिसको सल्क भी कहते हैं इनका बना कंकाल पाया जाता है नेक्स्ट नंबर की आप बात करें तो नेक्स्ट नंबर में आपका है इनमें युग्मित उपांग पंखों के रूप में पाए जाते हैं जो उपांग होते हैं इनमें वो पंखों के रूप में पाए जाते हैं जो तैरने में क्या करते हैं तैरने में सहायता करते हैं इनमें युग्मित उपांग पंखों के रूप में पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं ये क्लोमों द्वारा श्वसन करते हैं किसके द्वारा क्लोमों के द्वारा गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि जो क्लोम जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं नेक्स्ट इनमें वायु है। एयर ब्लैडर पाया जाता है जो जल दाब नियंत्रण कर जल की गहराई में मछलियों की रक्षा करता है यानी कि इनमें कोई ऐसी संरचना पाई जाती है एयर है, जिसको बोलते हैं यानी कि बाताशय है बोलते हैं ये क्या करती है जिससे जैसे जैसे पानी में नीचे जाते हैं तो वायु दाब बढ़ता जाता है ठीक है तो जो प्रेशर बढ़ेगा उस प्रेशर की वजह से इनकी मृत्यु हो जाएगी अगर गहराई में मछलियां रहेंगी तो लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि इनमें वाता से पाया जाता है जो उसको कंट्रोल रखा जाता है जिसकी वजह से ये प्रेशर नीचे पड़े इनके शरीर पर तो इनको कोई भी हानि ना हो तो इनमें ये एयर एयर ब्लैडर होता है ये वर्क करता है दाब को कंट्रोल रखता है नेक्स्ट नंबर आपका है इनमें हृदय दुई होता है यानी कि जो हृदय होता है वो दुई होता है दो कच्छाओं से मिलकर बना होता है अर्थात इसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है दो बेषम होते हैं एक आलिंद और एक निलय इसमें सदैव अनोक्सीकृत बहता है कैसा बहता है डी ऑक्सीजन अटैट यानी कि जो ब्लड होता है वो अनौक्सीकृत होता है यानी कि शुद्ध नहीं होता अशुद्ध होता है इसीलिए इस हृदय को सिरा हृदय यानी कि वेनस शर्ट भी कहते हैं यानी कि सिरा हृदय कहते हैं इसमें अशुद्ध होगा अशुद्ध में अशुद्ध जो रुद्र होता है वो सिराओं में बहता है इसीलिए इस हृदय को सिरा हृदय जंतु होते हैं कैसे होते हैं असमतापी जंतु होते हैं, हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेडेरियन मछली एंगलर मछली लॉन मछली विद्युत रे स्टिंग रे डॉग फिश रोहू समुद्री घोड़ा एनावॉस कैट मछली ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके मत्स्य वर्ग के हैं तो ये आपका पहला वर्ग था मत्स्य वर्ग अब हम लोग दूसरे वर्ग की बात करते हैं तो दूसरा वर्ग आपका है अधिवर्ग टेट्रापोडा कौन सा अधिवर्ग है टेट्रापोडा अधिवर्ग टेट्रापोडा में चार वर्ग आपके हैं एम्फिविया यानी कि जिसको ओभचर बोलते हैं दूसरा आपका रेप्टाइल्स जिसमें रैंग रैंग के चलने वाले जीव आते हैं आपका होता है एवीज इसमें पक्षी सारे के सारे आते हैं दी होता है आपका मेमलिया यानी कि स्तनधारी जीव ऐसे जीव जो बच्चों को पैदा कर दूध पिलाते हैं स्तनधारी जीव कहलाते हैं ये चार प्रकार के आपके वर्ग हैं इन चारों प्रकार के वर्ग को वन बाई वन हम लोग देखेंगे तो पहला वर्ग देखते हैं एम्फीविया कौन सा वर्ग है एम्फीविया वर्ग उभयचर तो वर्ग उभयचर में क्या है इसमें है एम्फी यानी कि दोहनों या उभय जल और स्थल एम्फी का मतलब होता है दोनों दोनों का मतलब उभय उभय का मतलब जल और स्थल दोनों यानी कि बायोस जीवन बायोस मीन्स होता है जीवन और एम्फी मीन्स होता है दोनों और जीवन दोनों पर दोनों का मतलब जल और स्थल पर ऐसी जीवधारी जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं उनको एम्फी बिया वर्ग में रखा जाता है उभयचर वर्ग में रखा जाता है उभयचर वर्ग के जंतु जल एवं स्थल दोनों पर निवास करते हैं लार्वा अवस्था में ये जल में रहते हैं यानी कि जो लार्वा स्टेज होती है उस अवस्था में ये जल में निवास करते हैं तथा मत्स्य जैसा व्यवहार करते हैं यानी कि मछली जैसा व्यवहार करते हैं ये तैरने के लिए पुच्छ एवं श्वसन के लिए क्लोमों का उपयोग करते हैं यानी कि कब जब वो जल में रहते हैं तो मत्स्य जैसा व्यवहार करेंगे और तैरने के लिए पुच्छ एवं श्वसन के लिए क्लोमों का उपयोग करते हैं जो कि जल में श्वसन के लिए महत्वपूर्ण अंग होते हैं और वयस्क अवस्था में ये क्या होते हैं भूमि पर रहते हैं कहाँ रहते हैं भूमि पर रहते हैं अब भूमि पर रहेंगे तो ये क्लोम से शोषण नहीं करेंगे उसके लिए फेफड़े होते हैं इसमें तथा धरातलीय जंतुओं की भांति व्यवहार करते हैं परंतु इस अवस्था में ये भी अपनी सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जल पर निर्भर रहते हैं यानी कि जल पर तो रहते हैं लेकिन सारी की सारी महत्वपूर्ण जो क्रियाएँ होती हैं वो आपकी सारी की सारी किसमें होती हैं जल में होती हैं किसमें होती हैं जल में होती हैं तो इसके नंबर देखेंगे हम लोग इनके नंबर हैं कुछ लक्षण है फर्स्ट नंबर है इनका जो शरीर होता है वो सिर ग्रीवा धड़ एवं पुछ में तथा अथवा सिर धड़ में विभाजित होता है इनका जो शरीर होता है वो सिर ग्रीवा धड़ एवं पुच्छ में बटा रहता है ठीक है तीन भाग में बटा रहता है सिर ग्रीवा धड़ एवं पुच्छ में बटा रहता है इनकी त्वचा में सल्क नहीं पाए जाते इनकी जो स्किन होती है उसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं यानी कि जो मछलियाँ होती हैं वो मछलियों में देखा होगा आपने ऐसे ऐसे करके सल्क पाए जाते हैं तो इनकी स्किन में शल्क नहीं पाए जाते हैं अबसेंट होते हैं अब तो श्लेष में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो शल्क तो नहीं पाए जाते लेकिन श्लेष में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो श्लेष पदार्थ का श्रावण करती हैं नेक्स्ट है, है इनमें अस्थियों का बना अंतर कंकाल पाया जाता है किसका अस्थियों का, का यानी कि हड्डियों का बना अंतर कंकाल पाया जाता है कसेदुक दंड में एटलस यानी कि एटलस नामक प्रथम पाई जाती है जो कशेरुक दंड होती है मेरुदंड दंड होती है रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एटलस नामक प्रथम पाई जाती है जो सिर की चलनशीलता के लिए उत्तरदायी होती है किसकी सिर की चलनशीलता के लिए उत्तरदायी होती है यानी कि सिर को चलाने में मदद करती है कौन एटलस हड्डी नेक्स्ट नंबर आपका है ये शीत रुद्र वाले अनियत तापी होते हैं यानी कि इनमें जो रुद्र होता है वो कैसा होता है अनियत तापी होते हैं यानी कि शीत रुद्र वाले ठंडे रुद्र वाले होते हैं नेक्स्ट नंबर की आप बात करें तो नेक्स्ट नंबर आपका है इनमें दांत युक्त मुख तथा श्लेषम युक्त जिभ्या पाई जाती है इनमें जो दांत युक्त होते हैं इनमें जो दांत होते हैं दांत युक्त मुख होगा यानी कि जो मुख होगा उसमें दांत होंगे और श्लेष में युक्त जिभ्या पाई जाती है जो जिभ्या होती है उसमें श्लेष्म पदार्थ श्रावित होता है जो पाचन में सहायता करती है किसमें सहायता करती है पाचन में डाइजेशन में सहायता करती है उभयचर वे जंतु होते हैं जिनमें सत्य जिभ्या पाई जाती है यानी कि पहले ये जंतु ऐसे हैं उभयचर जिनमें सत्य जिभ्या यानी कि टंग होती है वो ट्रू टंग होती है इनमें जिभ्या स्पष्ट होती है उभयचर जंतुओं में इनमें श्वसन क्लोम एवं फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है अगर वो पानी में रहेंगे तो क्लोमों द्वारा होगा यदि वो पृथ्वी पर रहेंगे तो फेफड़ों द्वारा होगा और जल में एक और शोषण होता है जो त्वचा द्वारा हो सकता है तो तीन प्रकार का शोषण होता है इनमें इनका जो हट होता है वो त्रिवेश में होता है यानी कि तीन कच्छे होता है हट में तीन चैम्बर पाए जाते हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं इनमें जो एक्सप्रेशन होता है वो कौन सा होता है अमोनिया उत्सर्जन होता है अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं यकृत द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है किसके निर्माण होता है जो यकृत होता है यकृत द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है यानी कि निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है नेक्स्ट नंबर होता है नेक्स्ट नंबर आपका है ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं यानी कि ये ये इस प्रकार के जंतु हैं जो अंडे देते हैं एग्जाम्पल के लिए है जैसे सेलामेंडर टोड है मेडक है हाइला है तथा एक ट्यूफिश है यानी कि ये ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं यानी कि और ऐसे जीव हैं जो जल और स्थल दोनों में निवास कर लेते हैं उनको उभयचर कहा जाता है तो उभयचर जंतु हैं ये ये तो संघ ये तो आपका वर्ग था उभयचर एम्फीबिया नेक्स्ट वर्ग आपका है सरीस्र वर्ग जिसको कहते हैं रैंग के चलने वाले जंतु यानी कि रैप्टम का मतलब होता है रैंगना तो ऐसे जंतु जो रैंग कर चलते हैं उनको सरीस्र वर्ग में रखा लख, जाता है तो कहते हैं कि इस वर्ग में रेंगने वाले धरातली जंतु आते हैं यानी कि ऐसे जंतुओं को इसमें रखा जाता है जो रेंग कर चलते हैं ये प्रथम सत्य स्थलचर है यानी कि ये प्रथम कैसे हैं सत्य स्थलचर का मतलब ये है अभी हमने पढ़े थे जो एम्फीबिया वो तो आपके स्थल पर भी रह लेते थे और जल में भी रह लेते थे तो वो हमेशा तो रहते नहीं थे स्थल पर ये हमेशा स्थल पर रहने वाले होते हैं तो प्रथम ये ऐसे जंतु हैं जो सत्य स्थलचर होते हैं हमेशा स्थल पर ही रहेंगे जंतु भी कहे जाते हैं पूर्ण रूपेण स्थल पर पहुंचने के कारण इनमें पूर्तया वायवी श्वसन अर्थात फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है तो इनमें पूर्ण रूप से पृथ्वी पर रहते हैं तो स्थल पर रहते हैं तो इसलिए इनको पूर्तया स्थल तरजंतु कहते हैं इनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है तो इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं ये देख लेते हैं हम लोग पहला लक्षण है इनका इनका शरीर सिर ग्रीवा धड़ एवं पुछ में बटा होता है जो इनका जो बॉडी होती है वो किसमें बटी होती है सिर में शरीर सिर में ग्रीवा में धड़ में एवं पुछ में बटा रहता है किस में पाया जाता है यानी कि सिर में ग्रीवा में धड़ में और पुच में बटा रहता है नेक्स्ट नंबर आपका है कि इनकी त्वचा जो होती है वो सूखी एवं श्लेष रहित होती है इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ नहीं होती हैं तो वो सूखी रहेगी और श्लेष रहित रहेगी यानी कि श्लेष नहीं पाया जाएगा नेक्स्ट नंबर आपका है कि इन पर कांटेदार शर्ल का आवरण होता है यानी कि इनकी जो त्वचा के ऊपर जो आवरण होता है वो कैसा तो होता है कांटेदार यानी कि कांटे से पाए जाते हैं इनकी त्वचा के ऊपर तो कांटेदार सल का आवरण पाया जाता है जो इनका बाह्य कंकाल बनाता है क्या बनाता है बाह्य कंकाल बनाता है इनमें जो अस्थियां होती हैं इनमें अस्थियों का बना अंतर कंकाल पाया जाता है यानी कि जो अंतर कंकाल होगा वो हड्डियों का बना होगा नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर आपका है इनमें जो श्वसन होगा वो फेफड़ों द्वारा होता है किसके द्वारा होता है श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है लंग्स के द्वारा श्वसन होगा नेक्स्ट नंबर है ये असमतापी होते हैं कैसे होते हैं असमतापी होते हैं ठीक है यानी कि तापमान समान नहीं रहता है हमेशा बदलता रहता है तथा इनका हृदय त्रिवेशमी होता है जो इनका हृदय वो कैसा होता है तीन कच्छी होता है तीन चैम्बर में बटा होता है परंतु उच्च शरीर यानी कि तीन चैंबर में तो होता है लेकिन अगर उच्च शरीर सिर्फ हों उच्च रेप्टल वर्ग के प्राणी हो तो उनका हृदय होता है वो चार कक्षों में बटा होता है जैसे मगरमच्छ मगरमच्छ उच्च वर्ग में आता है तो उसका हृदय जो होता है वो चार कक्षों में बटा रहता है अगर निसेचन की बात करें तो इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है आंतरिक निषेचन का ये मतलब है कि जो निसेचन है वो बॉडी के अंदर ही निषेचन होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं इसमें लिंग पृथक होते हैं यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में पूछा गया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरयुक्त तो अंडे देते हैं यानी कि जो ये पहली बात तो अंडे देते हैं वो अंडे किसके होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं जिनसे शिशुओं का जन्म होता है इन अंडों से ही शिशुओं का जन्म होता है इन अंडों को क्या कहते हैं क्ले डाइक कहते हैं क्ले डाइक अंडे भी कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे सर्प है चिपकली है कछुआ है मगरमच्छ है घड़ियाल है गिरगिट है आदि यानी कि इस संघ में ऐसे इस सॉरी इस वर्ग में ऐसे जंतु आते हैं जो रैंक के चलने वाले जंतु होते हैं तो ये आपका दूसरा वर्ग था रेप्टाइल सही है। अब आपका थर्ड वर्ग आपका है पक्षी वर्ग कौन सा वर्ग है पक्षी वर्ग है इसको एवीज कहते हैं इस वर्ग के जंतु इस वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके जो अग्रपाद होते हैं यानी कि हाथ जैसे के हैं जैसे हम लोगों में हाथ होते हैं ऐसे करके इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं यानी कि जैसे हम लोगों में हाथ अगर पंखों में बदल जाए तो ऐसे करके उन जीवों में जो अग्रपाद होते हैं वो आँखों में बदल सॉरी पंखों में बदल जाते हैं तो जो उड़ने में सहायता करते हैं पंख का काम क्या होता है उड़ने में सहायता करते हैं इनका विकास शरीर सिर्पों से ही हुआ है किससे हुआ है सरी से ही हुआ है अतः इन्हें विशेषीकृत सरी सिर्फ कहते हैं क्या कहते हैं विशेषीकृत सरी सिर्फ कहते हैं श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है लंग्स के द्वारा होता है इसके कुछ लक्षण हैं तो उनको देख लीजिए पहला है इनका शरीर सिर ग्रीवा थड़ एवं पुछ में विभाजित होता है जो इनका जो शरीर है वो किस में बटा रहता है सिर में बटा रहता है ग्रीवा में बटा रहता है धड़ में बटा रहता है और पुच में बटा रहता है तीन चीजों में बटा रहता है नेक्स्ट है इनमें पश्चपाद चलने कूदने तथा अग्रपाद उड़ने हेतु रूपांतरित होते हैं इनमें जो पश्चपाद होते हैं यानी कि पीछे के पैर होते हैं आगे के पैर तो आप उड़ने का काम करते हैं पंखों में बदल जाते हैं जो पीछे के पैर होते हैं वो चलने के लिए कूदने के लिए या अग्रपार जो होते हैं वो उड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं यानी कि चेंज हो जाते हैं बदल जाते हैं इनकी त्वचा पतली एवं रूखी होती है इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है पतली होती है और रूखी होती है यानी कि स्लेप नहीं पाया जाता है तथा इनका शरीर परों से ढका रहता है जो इनका शरीर होता है वो किससे ढका रहता है परों से फैदर्स से यानी कि पंखों से ढका रहता है पूरा का पूरा शरीर जो ओढ़ने का कार्य करते हैं नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में ने बताया गया है इनकी मुख पर एक कठोर हॉर्नी चौंच पाई जाती है जो ये जीव होते हैं इनके इनका जो मुख होता है उस पर चौंच पाई जाती है कठोर हॉर्नी चौच पाई जाती है जो कि दांतों का रूपांतरण मानी जाती है चौंच को क्या कहा जाता है क्योंकि ये दाँतों से रूपांतरण होकर बनी है इनमें प्रत्येक नेत्र के चारों तरफ इस क्लो इस क्लोरेटिक प्लेटों का बना अस्थि छल्ला पाया जाता है इनमें जो नेत्र होते हैं उन नेत्र के चारों तरफ क्या होता है स्क्लोरोटिक प्लेटों का बना एक अस्थि छल्ला पाया जाता है हड्डी का छल्ला पाया जाता है इनमें वाह्य कण का अभाव होता है इनमें जो एक्स्ट्रा कण हम लोगों में जैसे कान दिखाई देते हैं बाहर से ठीक है इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें जो बाह्य कण होते हैं इनका अभाव होता है केवल छिद्र ही होते हैं बाह्य कण पल्लव नहीं पाए जाते यानी कि जो हम लोगों में दिखाई देते बाहर से कान है ये ठीक है तो वो उनका अभाव होता है इनमें इनमें खोखली अस्थियों का बना हल्का अंता कंकाल पाया जाता है इनमें जो अंता कंकाल होगा वो खोखली का होगा खोखली हड्डियों का होगा यानी कि हड्डियों का तो होता है पर वो खोखली होती हैं क्योंकि खोखली होंगी तो हल्की होंगी हल्की होंगी तो उड़ने में आसानी से मदद मिलेगी आसानी से ये उड़ सकते हैं इसलिए ये हड्डियाँ कैसी होती हैं खोखली होती हैं नेक्स्ट नंबर देखें तो नेक्स्ट नंबर में बताया गया है इनका हृदय चार बीसवीं होता है यानी कि इनका हृदय जो होता है वो चार कक्षों में बटा रहता है चार कक्षों में बटा रहता है चार भाग में बटा रहता है दो आलन और दो, दो निलय ये समतापी होते हैं यानी है, है। कि इनका तापमान समान रहता है सेम रहता है क्योंकि इनकी स्किन पर क्या हो तो होते हैं फैदर्स होते हैं ये शिशु जन हेतु अंडे दे देते हैं यानी कि ये शिशुओं के जन्म के लिए क्या देते हैं अंडे एग देते हैं एग्जाम्पल के लिए देखें तो कबूतर है गौरैया है कौआ है किवी है शत्रुमुर्ग है या तक है यानी कि ऐसे जंतु जो जो पक्षी कहलाते हैं ऐसे सारे के सारे एवीज वर्ग में आते हैं किस वर्ग में आते हैं एवीज वर्ग में आते हैं ऐसे सारे के सारे जंतु नेक्स्ट आपका वर्ग देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ग आपका है वर्ग स्तनधारी कौन सा वर्ग है वर्ग स्तनधारी वर्ग है लास्ट वर्ग ये आपका है तो उसको देख लेते हैं और मेमेरिया यानी कि स्तनधारी ऐसे जीवधारी जो बच्चों को पैदा करके दूध पिलाते हैं स्तनधारी वर्ग में रखे जाते हैं इस वर्ग के जंतुओं में मादा में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं यानी कि जो फीमेल होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तथा इस वर्ग में उच्चतम श्रेणी के जंतु भी आते हैं क्या करते हैं उच्चतम श्रेणी के जंतु आते हैं इस वर्ग का एक मेल लक्षण ये है कि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाएंगी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे दूध का श्रावण होता है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं इससे इसमें फर्स्ट नंबर आपका है इनकी त्वचा में श्वेद दुग्ध तेल एवं श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इनकी जो त्वचा होती है स्किन होती है इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं पहले तो श्वेद ग्रंथियाँ होती हैं दूसरी दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं तीसरी तेल ग्रंथियाँ होती हैं और चौथी आपकी श्लेष्म्रंथियाँ पाई जाती हैं श्वेद ग्रंथियाँ दुग्ध ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियाँ और श्लेष्म ग्रंथियाँ श्वेत ग्रंथियों से पसीना का सिक्रेशन होता है दुग्ध ग्रंथियों से आपका मिल्क का सिक्रेशन होता है तेल ग्रंथियों से ऑयल का सिक्रेशन होता है और श्लेषम ग्रंथियों से श्लेष्म का सिक्रेशन होता है इनमें से दुग्ध या स्तर ग्रंथियाँ इन जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है इनमें से दुग्ध या स्तर ग्रंथियाँ इन जंतुओं का विशिष्ट लक्षण होती हैं ठीक है ये नियत तापी होते हैं कैसे होते हैं नियत तापी होते हैं इनके इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं बाल पाए जाते हैं इसलिए ये नियत ताप्य होते हैं तापमान को स्थिर रखते हैं जो तापमान को नियत रखने में सहायता करते हैं इनके स्त्र इनकी जो स्किन होती है त्वचा तो अच्छा होती है उस पर बाल पाए जाते हैं उस बाल की वजह से ये क्या करते है? हैं तापमान को नियंत्रित रखते हैं नेक्स्ट नंबर आपका है इनका शरीर सिर ग्रीवा धड़ एवं पुष्प में विभाजित रहता है जो इनका जो शरीर होता है वो सिर में ग्रीवा में धड़ में एवं पुच में विभाजित रहता है तथा शारीरिक आकार अनेक प्रकार का हो सकता है इनका जो शारीरिक आकार है वो अनेक प्रकार का हो सकता है ठीक है ने अलग अलग टाइप का हो सकता है नेक्स्ट नंबर है इनका मुख छोटा होता है इनमें सीढ़ीदार ओठ पाए जाते हैं यानी कि ओठ में बीच में जो खाँच होती है ठीक है सीढ़ीदार ओठ पाए जाते हैं दांत तथा जबड़े पाए जाते हैं कैसे पाए जाते, है? जाते हैं दांत और जबड़े पाए जाते हैं इनमें नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट नंबर में बताया गया है कि इनमें बाह्य कर्णों में कड़पल्लव पाए जाते हैं इनमें जो बाह्य कर्ण होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं कर् पल्लव पाए जाते हैं ठीक है यानी कि अमलुको में बाहर से दिखाई देती है ये कान ठीक है इनको कड़ पल्लव कहा जाता है वैसे कान तो छिद्र को ही कह देंगे पर यहाँ पे जो बाहर से संरचना दिखाई देती है उसको कर् पल्लव कहते हैं तो इनमें कर् पल्लव प्रजेंट रहते हैं गर्दन में सात ग्रीवा कसी होती हैं यानी कि जो गर्दन होती है उसमें सेवन ग्रीवा कसीकाएँ प्रजेंट रहती हैं नेक्स्ट नंबर देखें तो नेक्स्ट नंबर बताया गया है इनमें अग्रपाद व पश्चपाद पाए जाते हैं इनमें आगे के पाद और पीछे के पाद यानी कि हाथ और पैर दोनों प्रजेंट रहते हैं जो चलने उछलने एवं पकड़ने का कार्य करते हैं हाथों से किसी चीज़ को पकड़ते हैं पैरों से चलते हैं उछलते हैं कूदते हैं ऐसा करते हैं नेक्स्ट नंबर है इनमें अस्थियों का बना अंत कंकाल पाया जाता है इनमें जो आ, अस्थियाँ होती हैं हड्डियाँ होती हैं इनका वरना अंतः कंकाल बया जाता है स्क्लेटरी सिस्टम नेक्स्ट है इनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है तथा ग्रहण किए जाने वाले आहार में के अनुसार अनुकूलित होता है यानी कि जैसा आहार खाते हैं उसी के हिसाब से अनुकूलित रहता है जैसे शाकाहारी की आहार नाल लंबी एवं मांसाहारी की आहार नाल छोटी होती है जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल लंबी होती है क्योंकि उसको भोजन को बचाने में थोड़ी समय लगता है और आहार मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है ऐसा शाकाहारियों में सैरुलोस सेलुन्य। सेलुन्य। के विशिष्ट पाचन के कारण होता है यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें सेवुलोस सेलुन्य। का पाचन होता है यानी कि शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाएंगे पेड़ पौधों होता है सैरोलोस सेलुन्य। जो प्रकाश संश्लेषण से बनता है तो उसको पाचन के लिए इसमें आहार नाल कैसी होती है लंबी होती है नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर आपका है इनमें पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र ठीक है श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है इनमें पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र पाया जाएगा जो श्वसन होगा वो फेफड़ों द्वारा होता है जो कि स्पंजी अस्थि पंजर से सुरक्षित रहते हैं जो फेफड़े होते हैं वो अस्थि पंजर यानी कि पस्थियों अस्थियों से उसको कहते हैं पसलियों से ठीक है पसलियों से सुरक्षित रहते हैं एक पंजरा सा बना लेते हैं पसलियाँ उसमें सुरक्षित पाए जाते हैं जैसे चेस्ट में होता है पसलियाँ होती हैं उसके अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं वही फेफड़ों को उधर गुहा से अलग करने के लिए पेशिया डायफ्राम उपस्थित रहता है जो तो फेफड़े होते हैं उसको उदर गुहा से कौन अलग करता है पेशिया डायफ्राम ऐसे करके फेफड़े की संरचना होती है कुछ ठीक है इसमें जो नीचे संरचना होती है ऐसे करके ये आपके क्या कहलाती है ठीक है डायफ्राम कहलाती है नेक्स्ट नंबर है आपका इनमें परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है तथा चार में बटा होता है जो हृदय होता है वो चार बीषम में बटा रहता है इनमें जो प्रबन तंद होगा वो बंद प्रकार का होता है यानी कि जो ब्लड होगा सीधा उत्कों के संपर्क में नहीं रहता है किसके किसमें बहता है बंद रुद्रवाणियों में बहता है और तथा हृदय जो होता है वो चार कक्षों में बटा रहता है ये एक लिंगी होते हैं कैसे होते हैं एक लिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है क्या पाया जाता है आंतरिक निषेचन पाया जाता है ये एक लिंगी होते हैं और इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो एक लिंगी का मतलब ये है मेल और फीमेल अलग अलग जीव होते हैं और निसेच शरीर के अंदर होता है ये शिशु को जन्म देते हैं अर्थात जरायुज होते हैं यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं जो अंडो अंडे को देते हैं वो अंडयुज कहलाते हैं ठीक है तो ये जन्म देते हैं बच्चों को इसलिए इनको जरायुज कहते हैं उदाहरण के लिए जैसे मानव है कुत्ता है बिल्ली है चमगादड़ है चूहा आदि मतलब यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे सभी जीवधारी जो बच्चों को पैदा करके दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है तो आज की वीडियो इतनी ही है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डे ठीक है दे, तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें दूसरे लोगों को शेयर कर दें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक आपका सब्सक्राइब और एक आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ठीक है तो मन लगता है वीडियो को बनाने में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है आज की वीडियो इतनी ही मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद